भारत चीन में जारी तनातनी को लेकर अमेरिका में एक बड़ा ही दिलचस्प सर्वे किया गया, जिसमें सवाल पूछा गया कि अगर इन दोनों देशों में सैन्य या व्यापार युद्ध होता है तो अमेरिका को किस देश का समर्थन करना चाहिए। इसे लेकर किए गए सर्वे के आंकड़ों ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। इसे किया है ऑस्ट्रेलिया के थिंक टैंक लोवी इंस्टीट्यूट ने। 7 जुलाई 2020 को 1012 अमेरिकी लोगों के बीच एक वेब सर्वे किया गया। इस सर्वे में अमेरिकी लोगों से दो सवाल पूछे गए। पहला सवाल था, अगर भारत और चीन में सैन्य संघर्ष हुआ तो आप किस देश का समर्थन करेंगे? अमेरिका समर्थक भारत का, चीन का, किसी भी देश का नहीं। वहीं दूसरा सवाल था, भारत और चीन में आर्थिक संघर्ष हुआ तो आप किस देश का समर्थन करेंगे? अमेरिका समर्थक भारत का, चीन का, किसी भी देश का नहीं। ऑस्ट्रेलियाई थिंक टैंक के सर्वे के आंकड़ों के मुताबिक पहले सवाल के जवाब में 63.6% अमेरिकी लोगों ने कहा कि वो किसी भी देश का पक्ष नहीं लेंगे, लेकिन 32.6% अमेरिकी लोगों ने कहा है कि वो युद्ध की स्थिति में भारत का समर्थन करेंगे, जबकि महज 3.8% लोगों ने कहा कि वो चीन का समर्थन करेंगे। वहीं आर्थिक संघर्ष के सवाल पर जो जवाब मिला उसमें दोनों देशों में आर्थिक संघर्ष होने की दशा में 60.6% लोगों ने कहा कि हम किसी भी देश का समर्थन नहीं करेंगे। वहीं 36.3% लोगों ने भारत का समर्थन किया और केवल 3.1% लोगों ने चीन का समर्थन किया। लद्दाख में सीमा को लेकर चल रहे चीन से विवाद के बीच अमेरिका लगातार भारत का समर्थन कर रहा है। हाल ही में राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण अधिनियम संशोधन बिल अमेरिकी संसद से पास किया गया। इस बिल के अंतर्गत भारत की सीमा पर गलवान घाटी में भारत के खिलाफ चीन की आक्रामकता का विरोध किया गया। साथ ही दक्षिण चीन सागर जैसे विवादित स्थलों और उनके चारों तरफ चीन के बढ़ते विस्तार को भी निशाना बनाया गया। अमेरिकी संसद में एनडीए बिल पास करना चीन के लिए खतरे का एक और बिगुल है। इसमें सीधे तौर पर 3 संदेश हैं। पहला संदेश है, चीन के लिए अब चीन का सीधा और जमीनी विरोध होगा। दूसरा संदेश है भारत के लिए कि अमेरिका चीन के खिलाफ भारत के साथ खड़ा है, जिसमें वैसे भी कोई संदेह नहीं है। तीसरा वैश्विक संदेश है जो दुनिया के हर उस देश को सुरक्षा का आश्वासन देता है जो चीन जैसी किसी विस्तारवादी देश का शिकार बना है या बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।